में एक बड़ी घटना हो गई है जिसमें एक युवक को गोली मारकर और लूट कर ली गई है। मौके पर हमारे साथ यहाँ संजय कुमार एएसपी हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये सर पूरी क्या घटना है। एक बाइक में दो भाई बहन थे, वो यहाँ से फरुखाबाद क्षेत्र से जा रहे थे अपने घर के लिए राजा रामपुर क्षेत्र में, और उनका पीछा कर रहे थे तीन लोग। ओवरटेक करके रोका उसके भाई ने, लड़के ने जब उसने ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें फायर कर दिया, जो लड़के वो लग गई है भाग रख दिया रेफर है, और फिर उन्होंने लड़की से चेन और फिर कुंडल छीन लिए थे और वो भाग गए फायर कर। सर अब इन लोगों के लिए क्या कोई पकड़ने के लिए कोई टीमें बनाई गई हैं? इसमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई हो रही है, तीन टीमें तो अभी तत्काल इस पर लगी हुई हैं और सबके हिस्ट्री शीट खंगाल लिया है, आस पास के बदमाशों को देखा जा रहा है, सर्विलांस की मदद ली जा रही है, बहुत जल्दी सॉल्व आउट किया जाएगा। ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी, जिनका कहना है कि तीन टीमें बनाई गई हैं और जो भी इसमें अपराधी जो रहे हैं वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे, और जो भी थाना क्षेत्र के या आसपास के जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी हिस्ट्री शीटें खंगाली जा रही हैं और जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धनंजय भदौरिया, एटा।